the stars come to shine when it's dark. From so far away, show us where we are. What makes the sun go to sleep every night, and what's it dreaming of? I wonder. And welcome to our channel, Desi couple on the go, जिसमें मैं मेघा हमें सौरभ और बरखा जो कैमरा के पीछे है लेके जा रहे हैं आपको क्रोएशिया के ट्रिप पे. और आज हम लोग जाएंगे उस आइलैंड पे जो हमारे बालकनी से दिख रहा है सामने. और कैसे जाएंगे सौरभ? वो सामने बोट भी दिख रही है. नहीं, ऐसे जंप करके. वी गोट टू जंप ऐसे ऐसे लाइक विल जंप एंड देन हम ऐसे फ्लाई करेंगे और फ्लाई करते हुए हम उस छोटे से आइलैंड पे पहुंच जाएंगे. काश इतनी सुपर पावर होती अपने पास. नहीं नहीं, ड्रोन पे बैठ जाते सौरभ. प्यार से फ्लोट ड्रोन को फ्लाई करो और उसके ऊपर बैठ जाते और वहां पहुंच जाते. लेट्स ट्राई दैट. बट हम लोग अभी के लिए लेंगे वो फेरी प्रैक्टिकल वे जो जाएगी उस आइलैंड पे. अराउंड 15-20 मिनट लेगा. बट पहले हमें जाना पड़ेगा उस वापस ओल्ड टाउन पे. वहां पर जो पोर्ट दिख रहा है आप लोगों को, वहां से पोर्ट से हम लोग फेरी लेंगे. ऐसे जाते जाते उस आइलैंड पे पहुंच जाएंगे. और ये जो फेरी है ये 30-30 मिनट्स पे चलता है. बट अभी वहां जाके और इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि कैसे कितना टाइम लगेगा, कितने टाइम पे चलता है, क्या टिकट के प्राइसेस हैं, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी. बट अब चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं वो छोटा सा आइलैंड. सो लेट्स गो. पर बैठ गए और बोट में नहीं है क्योंकि बोट चल ही नहीं रही है. जैसा आप लोगों को दिख रहा होगा हमारे पास में ये सी थोड़ा रफ दिख रहा है यहाँ पर. मगर कैप्टन से बात किया तो कैप्टन ने बोला कि अंदर जब जाएंगे तो और भी रफ है आज सी. इसीलिए बैड वेदर की वजह से सारे के सारे बोट्स, छोटे हों या बड़े हों, सब कैंसिल है और सारे बोट यहाँ पार्क है. तो उसका मतलब ये है कि हम लोग आज वो आइलैंड का टूर नहीं कर सकते. वी विल मिस दैट ट्रिप. हाँ, बट और आज बरखा और रौनक का लास्ट डे है. हमारे पास कल का भी दिन है बट एज फोर ऑफ अस टुगेदर ये हमारा लास्ट डे है. और प्लान था कि वहाँ मस्त आइलैंड पे जाएंगे और वहाँ फन करेंगे एंड देन विल कम बैक एंड विल हैव गुड डिनर. तो अब वो ट्रिप तो ख़त्म हो गई. यू कैन सी एज वेल विंडी इतना है. बट नेवरदलेस हम इसी ओल्ड टाउन को एक्सप्लोर और करेंगे. और फन करने के लिए तो यू डोंट नीड प्लेस, यू नीड पीपल. So, अभी भी will enjoy this place. So, जाते हैं वापस अंदर ओल्ड टाउन में and we will explore some new things and we'll show you around. आज हमारा थर्ड डे है इस टाउन को एक्सप्लोर करते करते. और आज भी हमें नई लेन दिख रही है. मतलब हर डे वी आर एबल टू फाइंड समथिंग न्यू. जैसे आज है ये मार्केट स्क्वायर जहाँ पे लोकल फ्रूट्स और सम सोविनियर मिल रहे हैं. सो लेट्स सी क्या क्या मिल रहा है और क्या प्राइजेज हैं. सो दिस इज ऑरेंज कैंडी एंड दिस इज फिग्स. जस्ट द सन ड्राइड एंड शुगर कोटेड. Okay, I'll buy then the mix. Like a fix, like orange and like almond, separate or all together in the one bag? No, I don't want the almond. Okay, then you have like this. Yeah, I'll buy these two. Maybe 125.
from back to front. Yeah, this is so real. Thank you. अब आ गए हैं एक ऐसी जगह जो गेम ऑफ थ्रोन्स जिन्होंने देखा है उन्हें तो याद हो गई, वो ये स्टेयरकेस। तो हम जाते हैं ऊपर, तब तक आप सोच के बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में कि ये कौन सी जगह थी। तो तब तक ऊपर पहुंचते हैं। तो अब तक तो आप समझ ही गए होंगे, जिन्होंने गेम ऑफ थ्रोन्स देखा है वो तो पक्का पता कर चुके होंगे कि ये जो जगह है वो है वॉक ऑफ शेम की। और जिन्होंने नहीं देखा है तो गेम ऑफ थ्रोन्स की जो क्वीन होती है वो यहाँ से चल के जाती है इन स्टेयर्स से। These are some postcards which I am sending to the people who have joined my channel. There are 5 people who have joined my channel. और उनके लिए मैं ये Dubrovnik से ये postcards भेज रही हूँ। आज हम लोग दिन भर से ही ओल्ड सिटी के पूरे टाउन का चक्कर लगा रहे थे, यहाँ वहाँ अपने सारे गलियाँ इसकी घूम ली, क्योंकि जो प्लान था वो तो बिल्कुल भी नहीं एक्चुअली एग्जीक्यूट कर पाए, तो ये ओल्ड टाउन हमने बहुत ज़्यादा घूम लिया। सो नाउ द प्लान इज टू स्टार्ट द रेस्टोरेंट क्रॉलिंग इंस्टेड ऑफ अ पब क्रॉलिंग। एंड व्हाट विल बी द फर्स्ट स्टॉप? फर्स्ट हम जा रहे हैं इंडियन रेस्टोरेंट खाने हरा भरा कबाब। सो लेट्स गो, हम करेंगे रेस्टोरेंट क्रॉलिंग। तो फर्स्ट रेस्टोरेंट क्रॉलिंग में हम लोग आए हैं इंडियन रेस्टोरेंट, और जैसे रौनक ने बोला था आ गए हरा भरा कबाब और दो समोसे। और हरा भरा कबाब इतना अच्छा था लास्ट टाइम खाए थे कि हमने सोचा 4 हमें कम पड़ेंगे, इसलिए एक और ऑर्डर कर दिया है। सो ये है रेस्टोरेंट का फर्स्ट हमारा आज का मेन्यू, और हमारा ये स्टार्टर है ये, एंड वी विल नाउ डाइन इन। जल्दी से, इससे पहले कि बरखा शूट खत्म करे हम लोग एक एक कबाब खा लेते हैं। फर्स्ट डिश हमारी फिनिश हो गई है, समोसे और हरा भरा कबाब दोनों ही बहुत अच्छे थे, और अब हम जाएंगे हमारे नेक्स्ट रेस्टोरेंट पे। वैसे यहाँ का बिल कितना आया? इसका बिल आया 234 कोरा। जितना भी INR या यूरो में होगा, we will write it on the screen. So now let's go to the second place. Let's go to second place. Dubrovnik की सुनसान गलियों में से, जो कि बिल्कुल सुनसान नहीं है। जो कि बिल्कुल सुनसान नहीं है, बहुत ही crowded, और crowd इतना नहीं है पर vibes अच्छी आ रही है। And here is our second place. तो जो second restaurant हम आए हैं उसका नाम है Renaissance, और यहाँ पर है दो vegetarian options. एक है vegetable with rice and wok, और second है vegetable pasta with chili. तो देखते हैं, या तो ये दोनों order कर देते हैं या इनमें से कोई एक। अंदर चलते हैं। तो हम लोगों का मेन कोर्स आ गया है, और क्या ऑर्डर किया है मेगा इटालियन में? सो मेन कोर्स में है पास्ता विद वेजिटेबल्स एंड रिसोटो विद वेजिटेबल्स, और साइड में प्ले हो रही है ऑसम म्यूजिक। Jack and I has back here.
तो हम लोगों ने खा लिया है, हमारा हो गया है एंड आवर सेकंड रेस्टोरेंट इज डन, और वो था इटालियन, और वहाँ खाया हम लोगों ने स्पैगेटी और वेजिटेबल रिसोटो, और इतना अच्छा माहौल हो रहा था ना वहाँ पर, दो लोग मतलब थोड़े से अंकल लोग थे, बहुत ही अच्छा म्यूजिक बजा रहे थे, बहुत सारे उन्होंने हिट सॉन्ग प्ले किए, 70s के प्ले किए, और डांस भी कर रहे थे, और जब उठे ना तो बहुत अच्छे से बात भी किया, तो बहुत ही पूरा माहौल ही चेंज कर दिया, लाइक हमने वहाँ पर 2 घंटे स्पेंड किया इसलिए, और अब हम लोग जा रहे हैं हमारे नेक्स्ट प्लेस पर जहाँ हम लोग ट्राई करेंगे डेजर्ट, बट डेजर्ट में क्या, नहीं दैट्स अ सस्पेंस, तो हम लोग डेजर्ट में क्या खाने वाले उसके लिए आप देखते रहिए हमारा वीडियो। और फ्राइडे इवनिंग है आज और काफी अच्छा माहौल हो रहा है, और ये रहे बरखा रौनक। ऑर्डर कर लिया है हमारा डेजर्ट, एक्चुअली प्लान था जैसे सौरभ ने ऑलरेडी रिवील कर दिया था कि आइसक्रीम खाएंगे, बट आया है चॉकलेट केक, और पीछे चल रहा है गेम ऑफ थ्रोन्स का म्यूजिक, डीजे मिक्स कर दिया उन लोगों ने। हम लोग बैठे हैं बहुत ही हैपनिंग प्लेस पे, बिल्कुल जो स्क्वायर है उसके अंदर, यहाँ पर ये दो रेस्टोरेंट है आमने सामने, तो हम लोग यहाँ बैठ के अभी इस केक को एंजॉय करेंगे, अभी ऐसे ही मंगाया है, बाहर हो रही है बारिश, अचानक ही बहुत तेज बारिश हुई तो सब कुछ हिल गया। So now let's try these, this cake. Let's have cake. Let's try it on it. And then tell how it is. Dessert हो गया है, but इतनी तेज बारिश हो रही है ना कि आज हम जा ही नहीं सकते बाहर, just look at the rain. और सब लोग बिल्कुल ऐसे घुस घुस के बैठ गए क्योंकि सब जगह से बारिश का पानी टपक भी रहा है।
और लास्ट ईयर लास्ट टाइम जो हम लोग आए थे डुब्रोनविक 2013 या 14 में, बारिश हो रहा था तभी, और सही बारिश हो रहा था और हम लोग कुछ घूम नहीं पाए थे, वापस वही आ गया वेदर। हाँ